खाकी ने उड़ाया कानून का मजाक। कानपुर में पुलिस वाले की शर्मनाक हरकत। कानून के रक्षक को ही कानून का डर नहीं। योगी आदित्यनाथ लगाएंगे पुलिस वाले की क्लास। हमारे देश के हर हिस्से में कानून व्यवस्था लागू है, लेकिन कानून के रक्षकों को कानून का जरा भी भय नहीं है। और शायद यही वजह है कि पुलिस वाले भी कभी कभी अपनी मर्यादाओं को भूल जाते हैं, जिससे कानून भी शर्मसार हो जाता है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने कानून को ही शर्मसार कर दिया है। पता नहीं क्यों अक्सर देखा जाता है कि हमारे देश में अधिकारी अपने अधिकारों का गलत उपयोग करते हैं, लेकिन ऐसा क्यों करते हैं? तो इसका जवाब यही है कि शायद इसलिए कि उन्हें पता होता है कि उन पर कार्रवाई नहीं होगी, और अगर होगी भी तो वो नाम मात्र की, जिससे उनके करियर पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। कानपुर से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। उत्तर प्रदेश के कानपुर के रेवना थाने में बनियान पहनकर कुर्सी पे बैठकर जन सुनवाई का मामला सामने आया है। ये जन सुनवाई करना थाना प्रभारी श्रवण कुमार तिवारी को भारी पड़ गया, क्योंकि जन सुनवाई की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। सोशल मीडिया पर फोटो देखने के बाद लोगों ने तमाम तरह के नकारात्मक कमेंट्स करने शुरू कर दिए, क्योंकि फोटो में जो बैठे हैं उनके आगे मेज रखी हुई है और ठीक पीछे महिला हेल्प डेस्क लिखा है, और मेज के बगल में रखी कुर्सी पर एक महिला आरक्षी बैठे हैं। वायरल तस्वीर को संज्ञान में लेते हुए पुलिस कमिश्नर डॉक्टर आर के स्वर्णकार ने उन्हें लाइन हाजिर कर दिया है। वहीं इस संबंध में थाना प्रभारी का कहना है कि थाने में ही उनका आवास है। वो नहाने जा रहे थे तभी जन सुनवाई के लिए आए लोगों को देख पास पड़े कुर्सी पर बैठ गए। उसी समय स्टाफ के ही एक शख्स ने फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल कर दी। उन्होंने थाने में लगे सीसीटीवी कैमरे की मदद से स्टाफ की पहचान कराने के बाद इस हरकत के लिए अधिकारियों से उसको अवगत कराया। अब देखना होगा इस पर आगे क्या कार्रवाई होती है।